नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, चाणक्य की नीति और शास्त्रों का एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध घी और आग के समान होता है। एक स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है तो एक पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, यह सभी शारीरिक आकर्षण होता है जिसकी वजह से यह दुनिया चलती है। दुनिया को आगे चलाने के लिए और अपना वंश बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष विवाह के संबंध से जुड़ते हैं। इसके पश्चात दोनों ही एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के समय में काफी जगह ऐसा देखा जा रहा है कि पुरुष अपनी स्त्री की जगह पराई स्त्री पर आकर्षित होकर पराई स्त्री से संबंध बना बैठता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है पराई स्त्री से संबंध बनाना बहुत बड़ा पाप है? अगर आप भी पराई स्त्री से संबंध बना रहे हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों ही बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। यह गलत बात है, ऐसा किसी भी स्त्री या पुरुष को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या पाप लगता है तथा पराई स्त्री क्यों अच्छी लगती है। इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहना वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में जानते हैं कि पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या पाप लगता है। कुछ पुरुष पराई स्त्री के बारे में बुरा सोचते हैं या फिर पराई स्त्री से संबंध बना बैठते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत बात है। कुछ स्त्री या पुरुष सही और गलत को ना देखते हुए पराई स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध बना लेते हैं, लेकिन या उस पुरुष या स्त्री के साथ धोखा है जिसके साथ आपने अग्नि देवता के सामने सात फेरे लेकर सात वचन पढ़े हैं। यह बात है कि भले ही आपको इस गलती की सजा इस जन्म में ना मिले, लेकिन काल पुरुष या सभी को देख रहा है। समय आने पर काल पुरुष इसकी सजा देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से पुरुष को जयंती नामक नरक में फेंका जाता है और वहां उसके सभी पापों की सजा दी जाती है। ऐसा पाप करने पर यमलोक में दहकते हुए लोहे के साथ पुरुष को आलिंगन कराया जाता है और पराये पुरुष के साथ संबंध रखने वाली स्त्री छिपकली, सांप या चमगादड़ योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, अब आइए वीडियो में जानते हैं कि पराई स्त्री अच्छी क्यों लगती है। दरअसल दोस्तों, पराई स्त्री अच्छी लगने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ स्त्री अपने पति को शारीरिक सुख देने में सक्षम नहीं होती हैं। ऐसे में पुरुष पराई स्त्री से संबंध बना लेते हैं। वहीं दोस्तों, शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो स्त्री का ध्यान अपने बच्चों पर अधिक रहता है। इस वजह से पुरुष को अपनी पत्नी से मोह भंग हो जाता है और वह पराई स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगता है और पराई स्त्री से संबंध बना लेता है। वहीं दोस्तों, कुछ स्त्री ऐसी भी होती हैं जो अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं। ऐसे में पुरुष को पराई स्त्री अच्छी लगने लगती है। दोस्तों, आज के समय में टेलीविजन और फिल्मों में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक सामान्य बात है, ऐसा बताया जाता है। इस वजह से पुरुष और स्त्री की मानसिकता भी इसी प्रकार की हो जाती है। उन्हें लगता है कि यह करना गलत बात नहीं है और ऐसी मानसिकता में बदलाव के कारण ही पुरुष को पराई स्त्री अच्छी लगने लगती है। आइए दोस्तों, वीडियो में जानते हैं कि पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या होता है। दरअसल दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पराई स्त्री से संबंध बनाने पर पुरुष को बहुत बड़ा पाप लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को यमलोक में बहुत ही कठिन दंड दिया जाता है। यमलोक में यमराज ऐसे लोगों को गर्म लोहे से आलिंगन करवाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक आत्मा के पाप खत्म नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार जो स्त्री अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री को यमलोक में गर्म लोहे के साथ आलिंगन करवाया जाता है। जब तक उस स्त्री के पाप खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक उसके साथ यह प्रक्रिया बार बार की जाती है। इस प्रकार जीवात्मा को अगला जन्म छिपकली,
दो मुंह वाला सांप और चमगादड़ के रूप में होता है। दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार पराय स्त्री के साथ संबंध बनाने पर कुछ अलग दंड निश्चित किया गया है, जिसके बारे में आइए वीडियो में जान लेते हैं। किसी भी जीवात्मा को अन्य पुरुष या अन्य स्त्री के संबंध बनाने से बचना चाहिए, यह महापाप माना गया है। दोस्तों, अगर कोई पुरुष किसी पराय स्त्री से संबंध बनाता है तो यमलोक में ऐसी जीवात्मा के सिर पर योनि का चिन्ह बनाया जाता है और अगले जन्म में यह चिन्ह दिखाई देता है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसी जीवात्मा को यमलोक में अग्नि में तपी हुई स्त्री के साथ अलिंगन करवाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उस जीवात्मा के सारे पाप खत्म नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है वीडियो में कि आप पराई स्त्री से संबंध ना बनाएं, अपनी स्त्री के साथ प्यार से हमेशा रहें और जीवन उसी के साथ अच्छे से बिताएं, इसी में ही आपकी भलाई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।